भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र से नाथनगर व ललमटिया पुलिस ने अहले सुबह तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर एसएसपी के सामने पेश किया। दरअसल 4 जनवरी को नरगाचौक के समीप अपराधियों ने सब्जी विक्रेता दयानंद मंडल, विपिन मंडल एवं घनेश्वर मंडल को खुद को पुलिस वाला बताकर उससे मारपीट कर 1,000 रुपये व फोन छीन लिया था। इसके बाद एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापेमारी कर मुंगेर के पड़िया थाना निवासी दीपक यादव, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज निवासी मुन्ना यादव व सुमित कुमार उर्फ विधायक को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों के पास से लूट में शामिल प्लेटिना बाइक, 1,000 रुपये व 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तीनों अपराधियों में से दीपक यादव व मुन्ना यादव का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कल ललमटिया ओपी थाना अंतर्गत तीन अपराधियों ने तीन सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीन लिया था। इसमें सिटी एसपी साहब के मार्गदर्शन और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें टीम ने 12 घंटे के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली, कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया और छीने गए पैसे और मोबाइल को बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद कर लिया और इस तरह से पूरे कांड का अनुसंधान ही 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंप्लीट कर लिया। इसमें मोबाइल और कुछ पैसे की लूट की गई थी, इसमें इसका अनुसंधान पूरा हो चुका है, इसलिए इसमें जल्दी ही हम लोग कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करके इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे और पूरी टीम जो कांड के उद्भेदन में लगी रही, जिसने अच्छा प्रयत्न किया, भागदौड़ की, पूरी मेहनत की, पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। राशि क्या है सर लूट की? लूट की राशि और बरामदगी क्या हुई है? कितना? 1,000 रुपये है जो राशि लूटी गई थी, जिसकी बरामदगी हो चुकी है।